हेलो गाइस, स्वागत है आपका एमटी रेडस चैनल के ऊपर फिर से और एक नया व्लॉग आपके लिए। इस प्रकार है देखने के लिए कि हम अपनी बाइक को कर रहे हैं स्टार्ट, पर स्टार्ट नहीं हो रही है। ये मैंने इसकी सीट भी खोल दी है, सो मैं इसको डायरेक्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये स्टार्ट हो ही नहीं रही है बिल्कुल भी। अगर मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो भी ये यहाँ पर जो है ना स्पार्क हो रहा है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं इसको यहाँ से, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है ना स्पार्क हो रहा है। अभी हाँ, रेड के लिए निकल रहा था। अभी मैंने बाइक स्टार्ट की, एक सेल्फ में स्टार्ट हो गया, एकदम से स्टार्ट खड़ी रही। मैं इसको साफ़ करता रहा पर ये मैंने बंद करी, बंद करने के बाद ऑन करी तो गाड़ी जो है ना ऑन हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों। अगर देखो, अगर मैं इसमें सिंपल सेल्फ लगाता हूँ तो आप देखना कि इसमें कैसी आवाज़ है। मैं सेल्फ करता हूँ तो मुझे फ़ोन रखना पड़ेगा या आप साउंड सुनना, मतलब इसके अंदर से जो है ना वो साउंड आ रही है। मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। जैसे कि ये बाइक है, इसकी पंप स्टार्ट है भी और मैं इसको ऑन करता हूँ तो अभी तो जैसे देख सकते हो ये चीज़ जो है ना, ये इसका सोलेनोइड ये बहुत आवाज़ कर रहा है और बाइक को स्टार्ट नहीं होने का सोल्यूशन है कि अभी बैटरी के जो दोनों टर्मिनल हैं उनको खोलते हैं, साफ़ करते हैं, लगाते हैं। अगर उसके बाद भी सही होती है दिक्कत तो ठीक है, वरना मुझको ये सोलेनोइड चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद फिर हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सी चीज़ कब शॉर्ट हो जाए कुछ नहीं पता। शायद मेरे को भी वायरिंग चेक करनी है बड्डी की, शायद कहीं से है तो नहीं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो अभी बाइक स्टार्ट करने के बाद, ये पार्ट चेंज करने के बाद आपको बताता हूँ कि इसमें क्या दिक्कत और नहीं। इस पर सब, तो यार दोस्तों मैंने तो इस पर सब ट्राई कर लिया, लेकिन अब मैंने जो है ना अली भैया को बुलाया है, वो आते हैं चेक करते हैं, फिर वही देख कर बताएंगे कि बाइक में क्या दिक्कत। अली भैया को बुलाया है, वो आ रहे होंगे, अब वो ही इस बाइक को देख के बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है, वो ही ठीक करेंगे। मैंने तो इसमें जो जो कर सकता था मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि एक बार टर्मिनल को साफ करके चेक कर लो, वो कर लो, वो ये वो, मैंने तो जो करना था कर लिया। मैं भैया आप ही आ जाओ और से देख के बताओ कि इसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं आता हूँ देखता हूँ, वो देख के बताते हैं, फिर आपको बताते हैं कि अगर ये आपके साथ भी कभी दिक्कत आए, अगर सोचोगे यार रास्ते में दिक्कत आती तो क्या होता। तो एक छोटी सी टूल किट भी अपने पास रखो जबकि उसमें आ सके आराम से, और क्योंकि देखो ये दिक्कत राइड पर कभी भी आ सकती है। क्योंकि अब भी तो मैं घर ही था, अपने घर से स्टार्ट की, बंद करी, फिर गाड़ी ही स्टार्ट नहीं हुई, पता नहीं कहाँ से क्या होगा। तो अभी आता हूँ, मैं आपको देख बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखना कहाँ क्या, फिर आप भूल जाते भैया ये कैसे हो। तो आप अगर वीडियो को ढंग से देखते रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मेरे को जो इसमें प्रॉब्लम लग रही है ना वो इस चीज़ की लग रही है, मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। ये जो इसका ये पार्ट है ना, मुझे इसकी दिक्कत लग रही है, कोई ये ही आवाज़ कर रहा है। और इसके अगर मैं इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ तो ये जो इसका है ये स्पार्क कर रहा है। तो ये मेरे पास टूल किट थी, मैंने ट्राई किया, फिर अभी भैया आ रहे हैं, वो ही इसको देख कर बताएंगे कि अब इसके अंदर क्या क्या हो सकता है और वहीं से अब स्टार्ट करेंगे। तो आ गए हमारे अली भाई, बस बस ये हुआ था थंडर राइड पे हमारा एक छोटा सा नुकसान, छोटा सा बच गए। देखो ये बाइक, देखो क्या दिक्कत आ रही है इसमें। पीछे रखा आपके टूल बॉक्स को, दबा क्लच को। देखो ठीक है, जल रहा है, इसको खोलो, ये तो नहीं खोलना पड़ेगा। ये देख सकते हो एक माइनर सी दिक्कत या कब मेजर बन जाती है पता नहीं चलता। देख लो काम स्टार्ट हो, इसके लिए मुझे पूरी बाइक खोलनी पड़ गई इसकी वायरिंग चेक करने के लिए, और अभी भी भैया हमारे लगे हुए हैं इसे स्टार्ट करने के लिए कि कैसे ना कैसे स्टार्ट हो।
चलो स्टार्ट होने के बाद आपको बता दें कि इसमें क्या दिक्कत निकली, कैसे क्या हुआ। बाइक स्टार्ट हो चुकी है और बाइक के अंदर निकली एक छोटी सी बहुत ही माइनर सी दिक्कत जिसकी वजह से पूरी बाइक खोलनी पड़ गई। तो वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो मैं भैया से बात कराता हूँ, वो बताएंगे आपको बाइक में क्या दिक्कत निकली। इस बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, सिर्फ और सिर्फ इसकी सेल्फ हाँ, जिसका सेल्फ इसका ब्लॉक बंद हो चुका था हाँ। जिसके कारण गाड़ी ने इसकी बैटरी को ख़त्म कर दिया हाँ। और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम जो माइनस सेंसर होते हैं वो सेंसर एक्ट करने लगे। अच्छा ठीक है, सेल्फ निकाला, स्टार्ट किया, तुम्हारे सामने सेल सही किया, बाहर खोल के अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ करने के बाद हाँ। में गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट बिल्कुल ठीक है। मतलब जो होता है उसका ये होता है सेल्फ, मतलब ये वो हुआ था ब्लॉक। अच्छा जाम हो चुका था, अगर गाड़ी सेल्फ ब्लॉक हो जाता है तो या फिर बन भी खराब हो जाता है या मैगनेट पर चली जाती है तो बैटरी डाउन कर देती है। जैसे कल जो प्रॉब्लम आ रही थी बिल्कुल बैटरी डाउन बिल्कुल हाँ, तीन चार सालों में बैटरी बिल्कुल डाउन हो चुकी थी, बैठ चुकी थी बैटरी। थोड़ी सी दिक्कत निकली और भैया को बुलाया, भैया ने बाइक दो निकालते में 10 मिनट लगी बाइक सही करने में। दोस्तों नॉर्मल मिस्त्री में और एक एक्सपर्ट इंजीनियर में यही अंतर होता है कि जो होता है वो आपकी पूरी बाइक को खुलवा देता है, या मैग्नेट कॉइल रिले लाओ ये लाओ वो लाओ, आपका मोटा खर्चा कर देता है। लेकिन जो आदमी एक्सपर्ट होता है तुरंत देख के बता देता है कि बाइक में क्या दिक्कत थी और क्या दिक्कत नहीं है। तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, कोई भी दिक्कत आए कॉल करके पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।